अमृतसर भारत सरकार वल्लों दरियादिली दिखाउंदे होए अज 18 दे करीब पाकिस्तानी कैदी रिहा कीते गए जिहड़े अज अटारी वागा सरहद दे रस्ते पाकिस्तान लई रवाना होए जिहड़े अपनी सजा पूरी करके अज वतन लई रवाना होए जिन्हां विचों 6 दे करीब मछुआरे सन ते 6 दे करीब सिविल कैदी सन जिहड़ा गुजरात दी जेल तों रिहा हो के अटारी वागा सरहद ते पुज्जे सन। इस मौके उन्होंने गलबात करदे होए दस्या कि असी 7 दे करीब मछुआरे किश्ती विच सवार हो के मछलियां फड़ रहे सी ते गलती नाल भारत दी सरहद विच दाखल हो गए ते गुजरात पुलिस ने सानू फड़ लिया ते सानू 5.5 साल दे करीब सजा हुई ते अपनी सजा पूरी कर अज अपने वतन पाकिस्तान जा रहे हां। उन्होंने कहा कि साडा एक साथी गुजरात दी जेल विच बंद है जिसकी सजा अजे पूरी नहीं हुई। उन्हां कहा कि असी दोवां सरकारां नू अपील करदे हां कि जिहड़े लोग जेल विच बंद हन उन्हां नू वी जल्द रिहा कीता जावे। उथे ही राजस्थान दे अलवर जिले दी जेल विच बंद पाकिस्तान दे दो कैदी अपनी सजा पूरी कर अज अटारी वगा सरहद राही अपने वतन पाकिस्तान लई रवाना होए। इस मौके मुहम्मद अनीफ खान ने दस्या कि ओह नेपाल दे रस्ते भारत दी सरहद विच दाखल होया सी ते राजस्थान दी पुलिस वल्लों काबू कीता गया जिस नूं 20 दिन दी सजा होई सी पर दोवां देशां दे समझौते नूं लेके उस नूं 6 साल दे करीब सजा कटनी पई। अज ओह अपने घर पाकिस्तान जा रहा है। उसने कहा उसदे बजुर्ग पहलान भारत विच ही रहंदे सन। उथे ही अमृतसर दी केंद्री जेल तो 4 कैदी लैके पंजाब पुलिस दे अधिकारी अटारी वागा सरहद ते पुज्जे। उन्हां विचों एक कैदी ने दस्या कि ओह सरहद दिया तारा पार कर भारत विच दाखिल हो गया सी। ओह पाकिस्तान विच चौकीदारा करदा सी। उस कोलों एक गन वी BSF ने अपने कब्जे विच लै लई। उस नूं 5 साल दे करीब सजा हुई। ओह अपनी सजा पूरी कर अज अपने वतन वापसी कर रहा है। उन्हां कहा कि दोवां सरकारां नूं अपील करदे हां कि जिहड़े लोक जेलां विच बंद हन चाहे ओह पाकिस्तान विच है जां भारत विच उन्हां नूं रिहा कीता जावे ताकि ओह वी अपने परिवारां विच जाके रह सकण। तहसील पिंड जिला लाहौर। इत्थे कितना कड़ों आए? इत्थे 18 च आए। ਕਿ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਜਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ BSF ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ? ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਦੀ ਛੋਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ? 3। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਚਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਪਨ? ਹਾਂਜੀ। 222 ਬੋਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਗੋਲੀ ਪੜਤੀ? 30-35 ਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਕੇ ਭਾਈ? ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਖਾਨ, ਤੁਰਕ। ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸਿਟੀ ਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ। ਕਰਾਚੀ ਸਿਟੀ ਸੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ ਆਪ? ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਥਾ। ਇਨਲੀਗਲ ਆਏ ਸੀ? ਅਨਲੀਗਲ ਬੋਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਲੀਗਲ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਮੈਂ ਅਨਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ। तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल 6 ईयर के बाद जा रहा हूँ। परिवार को पता? ये सर मुझे कंफर्म नहीं है ना, मेरी कोई बात हुई बाकी समझे। शादी तो आप? हाँ, मेरी डेट। कितनी उम्र आपकी? मेरी अब 57 साल का हो गया, और जब मैं इंटर हुआ था तो मैं 50 साल का था, और 10 साल मेरी शादी को हो गए थे।
और मेरी औलाद नहीं है। तो दरगाह पे आया था सुल्तान इनके बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के पास, सही है। हाँ, क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को ये दूंगा कि इंडिया भी कुछ लचक दिखाए और पाकिस्तान भी दिखाए। इतना समय क्यों लग गया आपको? इतना समय ये हुआ कि कोरोना का हुआ, उसकी वजह से इन्हें डिले किया गया। इससे पहले इन्हें पुलवामा का हुआ था एक्सीडेंट, तो मैं रिटर्न हो रहा था तो उस दौरान ये हो गया, दोनों गवर्नमेंट का रुक गया मामला। हाँ, फिर वो एक्सचेंज नहीं हुआ बस। चलो, क्या नाम है आपका? रोशन अली। कहाँ के रहने वाले हैं? कराची का। कब पकड़े गए आप? यहाँ पर 2018 दूसरा महीना 13 तारीख को यहाँ पकड़ा गया। कितने साल की सजा काट के चले? यहाँ से सजा काटो 5.5 साल हो गया। तो सजा हुई कितनी थी आपको? हम लोग 3.5 साल 20 दिन। तो इतना समय क्यों लगा, क्या कारण है? यह पता नहीं कहाँ करण हुआ, ये यहाँ पर रख दिया हुआ, यहाँ से लेन देन नहीं हो रहा होगा शायद, इसके वजह से रख दिया हम लोग को। आज वापस जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अभी बहुत खुशी लग रहा है, हम लोग यहाँ से जा रहा हूँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार से माँ है, बहन है, भाई है, बीबी बच्चा है, अभी इनसे मिलने जा रहा हूँ। खुशी से, बहुत खुशी लग रहा है हम लोग को। बस ये मेहरबानी आप लोग की, यहाँ की सरकार के ऊपर भी, हमारे सरकार को भी, ये दरख्वास्त है दोनों सरकार मिलकर मच्छीमारों को कुछ करो, क्यों लेन देन करने चाहिए? हम लोग एक दूसरे परिवार के लिए परेशान हो जाता हूँ हम लोग, यही करना चाहिए हम लोग को। मच्छीमार को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, परिवार से दूर नहीं रखना चाहिए, बहुत परेशान हो, मेहनत करने आता है, किसी को कोई रोजी खाना, फिर माँ बाप के लिए रोजी कमाने आता है, बीवी बच्चे के लिए। तो हम लोग गुजारिश है सरकार को, मच्छीमार को लेन देन जल्दी कर दी जाए। सबकी मच्छी मारी। हाँ जी सर, अपना नाम दस के ते किन्ने कैदी है जेड़े अज भारत वालों रिहा किए गए, कितों कितों आए हैं? मेरा नाम अरुण माल है जी, मैं एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर पोस्टड हाँ अटारी बॉर्डर के। अज भारत सरकार वालों बहुत वधिया उपराला करते हुए फिर तो एक बार 18 पाकिस्तानी नागरिक जिन्हों विचों 6 मछुआरे ते 12 सिविल प्रिजनर गुजरात पुलिस तो पुलिस पार्टी जी अपनी बसिस राई प्रोटैक्शन के नाल 6 मछुआरे तो 6 सिविल प्रिजनर लैके आए हैं। राजस्थान सरकार वालों उतों की गवर्नमेंट वालों उतों की पुलिस प्रोटैक्शन नाल 2 कैदी जिहड़े सिविल प्रिजनर आ। इन्हों तो अलावा पंजाब दे विचों सेंट्रल जिले अमृतसर तो 4 सिविल प्रिजनर जिहड़े कि पाकिस्तान तो भारत अंदर इलीगल दाखिल होए सीगे, तो पाकिस्तान तो मच्छियां फड़न लई जिहड़े समुद्र विच गए सीगे ते भारत की हद अंदर दाखिल होए सी, उन्हां नूं अरैसट किया गया। इन्हां नूं इन्हां दीआं कोर्ट विच पेश करके इन्हां दे उपर मुकदमे दर्ज किए गए, जिहड़ियां अपनियां अज सजावां पूरियां कर चुके हैं। भारत सरकार वालों एक दिशा निर्देशों के मुताबिक इन्हों अज इतों अटारी बॉर्डर तो पाकिस्तान 22 फुट भेजे जा रहे जी। तो कि सज़ा हुई थी इन्होंने? ये लगभग सारे ना कोई जी, कोई 2 साल की, किसी 4 साल की, किसी 5 साल की हुई सज़ा। ये सारे कोई 2012-14 तो लैके तो हूँ तक अलग अलग डेटा में अरैसट किए गए। ठीक है, धन्यवाद।